इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेलिब्रिटी गायनेकोमेस्टिया। सो जिसमें हम एक एक्टर हैं, तमिल एक्टर आर्या, जो कि अभी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई थी सरपट्टा, उसमें एक बॉक्सर का रोल किया था। एंड उसके बाद जो है काफ़ी न्यूज़ में आए थे रिगार्डिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड उसी ट्रांसफॉर्मेशन में उनका जो चेस्ट का शेप था वो उसमें बेसिकली गायनेकोमेस्टिया है या नहीं, किस कैसे हुआ, हो सकता है ये, और बेसिकली क्या ट्रीटमेंट है, एंड बॉडी बिल्डर्स में क्यों गायनेकोमेस्टिया होता है और बॉडी बिल्डर्स में क्या रीज़न है। सो जैसे जब ये मूवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, ये एक्टर आर्या जो कि ये सरपटा मूवी में, सो ये जो पिक्चर है ये काफ़ी डिस्कस हुआ था। सो इसी के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Let's discuss what is the gynecomastia, particularly for this patient. So this is the glandular tissue, and he is mainly is this region. So this is due to the steroid abuse. So ये पहले हम जो है evaluate करते हैं कि कैसे ये confirm करते हैं कैसे ये gynecomastia है। So इसमें जो है जो क्लासिकल साइंस ऑफ गायनेकोमेस्टिया वो है, सो अभी हम मार्किंग करते हैं। सो ये पिक्चर है एक्टर आर्य का, सो इसमें हम कंफर्म करते हैं कि कैसे ये गायनेकोमेस्टिया है। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रीजन में एक अलग सा ये स्वेलिंग है बेसिकली, एंड अगर इसको अभी तो हम पालपेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पालपेट करेंगे तो इस रीजन तक यहाँ पर ये ग्लैंडुलर टिश्यू है। सो ये साइड व्यूज़ देखेंगे तो और कंफर्म होता है। सो साइड व्यूज़ देखेंगे तो देखिए ये चीज़ जो है ये ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। सो ये वेल फॉर्म्ड लंप है, ब्रेस्ट स्वेलिंग है, एंड आल्सो जो है यहाँ पे एक इंफ्रामेमरी फोल्ड बन रहा है। सो ये सब ये इंफ्रामेमरी फोल्ड है, यहाँ तक ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये अलग से साइड व्यू में हमें कन्फर्म करते हैं ये एक अलग से प्रोजेक्शन है। सो ये सब साइंस हैं, कंफर्म करते हैं कि ये गायनेकोमेस्टिया है। सो ये एक पिक्चर है जो गूगल पे सर्कुलेट हो रही है। सो ये बिफोर ये कोई और मूवी है, ये रिसेंटली जो मूवी थी जिसका नाम था सरपट्टा, जिसके अंदर ये जो है ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था एज ए बॉक्सर। सो ये एक दूसरी मूवी का है, ये रिसेंटली एक मूवी का है। सो इस बीच में जो है ये पिक्चर ये डिपिक्ट करती है कि पहले जो है कोई भी साइन ऑफ गायनेकोमेस्टिया नहीं था, एंड रिसेंटली देखेंगे तो जो है यहाँ पर ये गायनेकोमेस्टिया का अपीयरेंस आ रहा है। सो ये जो है ये गेस किया जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस मूवी सो एनाबॉलिक स्टेरॉयड लिए थे, एंड जिसकी वजह से जो है ये गायनेकोमेस्टिया आर्या एक्टर को डेवलप हुआ है। सो एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में हम अलग से बात करेंगे। सो ये पास्ट पिक्चर है जिसके अंदर यहाँ पे अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सो ये अगर पिक्चर में देखेंगे तो ये पॉइंटेड निप्पल इज वन ऑफ द साइन। सो ये पुरानी पिक्चर है जिसके अंदर ये पता लग रहा है कि पहले से ही कहीं ना कहीं गायनेकोमेस्टिया के साइन थे, एंड जब ये फिजिक बनानी बनी फॉर द मूवी कैरेक्टर उस टाइम शायद हो सकता है कि स्टीरॉयड यूज़ किया है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, एंड ये जो है गायनेकोमेस्टिया जो पहले से था वो एग्जेजरेट हो गया। सो वन ऑफ द हाइपोथेसिस ये है कि पहले से हो सकता है गायनेकोमेस्टिया है जैसा इस पिक्चर में पता चल रहा है, एंड ये जो है बढ़ गया है और बेसिकली बाकी फिजिक बन जाती है, एंड लेकिन जब जो ग्रोथ है ब्रेस्ट टिश्यू का वो भी जो है एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो कि ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ करते हैं सो वो और एग्जेजरेट होके आ रहा है। सो मेनली ड्यू टू एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज से ये गायनेकोमेस्टिया जो हो सकता है प्रीवियस एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जेजरेट हुआ। सो ये पिक्चर है बिफोर रिलीज, बेसिकली जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे मूवी के लिए, सो जस्ट ये इनके ऑफिशियल हैंडल पे अवेलेबल है। सो ये देखिए बिफोर इनका चेस्ट जो बैक है इस तरह था, एंड ड्यूरिंग आफ्टर प्रिपरेशन इस तरह से
ये शेप आया है। सो ये पॉसिबल नॉर्मली जो है वर्कआउट से तभी पॉसिबल है जब शॉर्ट टर्म में अगर इतना मसल मास गेन करना है, ऐसा फिजिक चाहिए, तो मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो एनाबोलिक स्टेरॉयड यूज़ करते हैं एंड तभी इस तरह का फिजिक और इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। ये क्लिप हम देखते हैं जिसमें हम जो है आप देखिए, सो ये क्लिप के अंदर आपको जो है एग्जैक्टली और क्लियरली जो है गायनेकोमास्टिया पता चलेगा। सो देखिए जैसे ही फ्रंट में आते हैं, सो यहाँ पे देखिए ये जो रीजन है, देखिए अलग से यहाँ पे ये क्लियर कट जो है डिमार्केटेड एक लंप फील हो रहा है, लंप दिखाई दे रहा है एंड इट इज द कंफर्मेशन ऑफ गायनेकोमास्टिया। सो बाकी फिजिक बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो है प्रोट्यूड हो रहा है और एक अलग से लंप दिखाई दे रहा है एंड दैट कंफर्म्स द गायनेकोमास्टिया। सो जो मोस्ट कॉमन टू रीजंस हो सकते हैं इस तरह का गायनेकोमास्टिया डेवलप होने में, सो दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट इज द ड्यू टू द एनाबोलिक स्टेरॉयड यूज, सो जो ये काफ़ी कॉमनली बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म रैपिड गेन इन द मसल्स बेसिकली एंड फॉर बेटर डेफिनेशन, एंड उनको जब टाइम कम रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, सो ये फास्ट डेवलपमेंट करता है। सो एनाबोलिक स्टेरॉयड क्या होते हैं? सो एंड्रोजन्स आर द मेल सेक्स हॉर्मोन, सो जिसमें जो है टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हॉर्मोन। सो लाइक फीमेल सेक्स हॉर्मोन इज एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन इज द मेल सेक्स हॉर्मोन्स। सो जो है एंड्रोजन्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। सो नेचुरल जो हमारा है वो हर मेल और फीमेल में रहता है, मेनली जो है मेल के अंदर रहता है, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, एंड उसका जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज नोन एज डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। सो बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है वो जाके कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, दैट इज द एक्टिव फॉर्म, एंड 90% ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज इन एक्टिव फॉर्म बेसिकली, सो 10% ही एक्टिव रहता है। अब सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड, दीज आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड और बेसिकली मैन मेड आर्टिफिशियली मेड टेस्टोस्टेरोन लाइक एक्शन। सो एनाबोलिक स्टेरॉयड में क्या है, जो एनाबोलिक इनकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज। सो एनाबोलिक जिसके अंदर मसल बिल्डिंग, मसल ग्रोथ और जो है बेसिकली मोर इनिश पावर आती है, सो और बेसिकली इनको टायर्डनेस नहीं आती है, सो इनके अंदर ये हाईली सेलेक्टिव मसल ग्रोथ एनाबोलिक रहते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रोजेनिक। सो एंड्रोजेनिक का मतलब है जो सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो डिफ्रेंशिएट होता है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द हेयर, ग्रोथ ऑफ द वॉइस, मसल मास, बोन मास, हेयर्स बेसिकली बियर्ड, मुस्टैच, प्यूबिक हेयर्स, सो वो एंड्रोजन की एक्टिविटीज, जो वो एंड्रोजन की एक्टिविटी में आते हैं। सो एनाबोलिक इज द मसल्स एंड एंड्रोजेनिक मीन्स द मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इनके जो ये ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये सेलेक्टिवली मसल को ग्रोथ फास्ट करती हैं एंड जिसकी वजह से जो है जब लेते हैं सो जैसे ही लेते हैं सो टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है एंड टेस्टोस्टेरोन जाके कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। सो वहाँ पे एक एंजाइम रहता है एरोमेटेज जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट कर देता है एंड एस्ट्राडियोल जाके जो है रिसेप्टर पे एक्ट करता है एंड जहाँ से जो है चेस्ट का और या ब्रेस्ट का ग्रोथ होता है। सो उसकी वो रीज़न है जिसकी वजह से एनाबोलिक स्टेरॉयड लेने से जो है साइड इफेक्ट, वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज गायनेकोमास्टिया। सो मेन दो रीज़न है कि पहले फर्स्ट ये कि ड्यू टू रीयूज ऑफ द एनाबोलिक स्टेरॉयड एंड सेकेंड ये हो सकता है कि पहले से गायनेकोमास्टिया है एंड जब वो मूवी के करेक्टर के लिए रोल के लिए उनको फिजिक बनानी थी, जो है अपना करेक्टर उस तरह का बनाना था, उस टाइम के लिए शायद उन्होंने यूज़ किया है एंड उस टाइम पे जो प्री एग्जिस्टिंग गायनेकोमास्टिया था वो एग्जरेट हो गया, सो वो बढ़ गया। सो ये दो रीज़न हो सकते हैं। सो ट्रीटमेंट बेसिकली, सो गायनेकोमास्टिया इन बॉडी बिल्डर्स में जो ट्रीटमेंट रहती है, सो उसमें हम जो है
सो देखिए इसके अंदर जो है क्या करना होगा, सपोज करो इस तरह का कोई पेशेंट आता है या फिर इनको सपोज करो इनका सर्जरी करना है, सो इसमें बेसिकली हमें इस रीजन पे कंसंट्रेट करना है। एंड जो जैसे मेरा अप्रोच है, सो यहाँ पेरियोरल इंसिजन में जो है ये ग्लैंड, हम इस ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। सो मेनली क्या है, सो बॉडी बिल्डर्स में फैट जो है वो बहुत कम रहता है, सो यहाँ पे लाइपोसक्शन का रोल बहुत मिनिमल है। मेनली दिस इज द ग्लैंड और टिश्यू विच नीड टू बी रिमूव्ड। जैसे ये रिमूव हो जाएगी, सो ये बल्किनेस पर्टिकुलर देखेंगे तो ये देखिए साइड से ये जो बल्किनेस है वो कम हो जाएगी। सो स्टेरॉयड यूज से जो बॉडी बिल्डर में गायनेकोमास्ट है उसका सिंपल सॉल्यूशन है, ट्रीटमेंट है, दैट इज द ग्लैंड रिमूवल। जो भी गायनेकोमास्ट जो भी ग्लैंड है दैट वी कैन रिमूव, एंड ये लोकल एनेस्थीसिया या ओरल एनेस्थीसिया नहीं कर सकते।